फिल्म के शुरुआत में हमें बैकग्राउंड जानकारी के जरिए बताया जाता है कि लूसीफर शैतान ने भगवान के खिलाफ युद्ध शुरू कर दिया ताकि वो खुद भगवान बन सके, लेकिन इस युद्ध में उसके भाई आर्च एंजल ने उसे मार दी और फिर नर्क में लाकर उसे चैन से बांध दिया। पर अब भी लूसीफर कोशिश में लगा है कि वो नर्क से आजाद हो जाए, और एक बार वो नर्क से आजाद हो गया तो वो पूरी दुनिया को बर्बाद कर देगा। अब अगले सीन में हम लॉरा नाम की लड़की को देखते है जो अपनी एक थियोरी लिख रही होती है, जिसमे वो ये लिखती है कि दुनिया में कोई बुराई नहीं है, सारी चीजें अच्छी ही है। साथ ही उसका ये तक मानना होता है कि लूसीफर भी अपनी जगह सही था। आप थियोरी पूरी होने के बाद वो उसे अपने प्रोफेसर को लाकर दिखाती है, लेकिन वो कहते हैं कि तुम्हारी थियोरी बिल्कुल वाहियात है, इसका कोई मतलब नहीं बनता क्योंकि दुनिया में अच्छाई और बुराई दोनों ही मौजूद है, तभी तो दुनिया का संतुलन बना हुआ है, जो सुनकर लॉरा उदास हो जाती है। अब अगले दिन लॉरा एक म्यूजियम में आती है जहाँ भगवान और लूसीफर की कई सारी मूर्तियां बनाई हुई थी। तब वहाँ उसे एक मूर्ति दिखाई देती है जिसमें भगवान ने लूसीफर को अपने पैरों तले दबाया होता है, जो देखकर वो एक पादरी से सवाल करती कि क्या मैं इसका एक स्केच बना सकती हूँ, जिस पर वो उसे अनुमति दे देता है। इसलिए अब लॉरा उस मूर्ति का स्केच बनाने लगती है, जिसे बनाते हुए रात हो जाती है। तब हम लीज नाम की एक महिला को देखते हैं जो उस म्यूजियम में भगवान की मूर्ति से उनकी तलवार चुराने आई थी। वहीं लॉरा जब स्केच बना रही होती कि तभी उसे खिड़की के पास एक कौवा दिखाई देता है, जिसे वो उड़ा देती है। पर जब तक वो उसे भगाती है, लीज उस तलवार को निकालकर वहाँ से चली जाती है। तब वहाँ एक गार्ड आकर लॉरा से सवाल करता है कि तुम कौन हो और इस समय यहाँ क्या कर रही हो। इस पर वो उसे अपना आईडी दिखाते हुए कहती कि मुझे पादरी ने यहाँ रुकने की अनुमति दे दी थी, इसलिए गार्ड उसे कुछ कहे बगैर वहाँ से चला जाता है। अब इसके बाद लॉरा घर जाने का सोचती है, पर म्यूजियम का दरवाजा बंद हो जाने के कारण वो जा नहीं पाती, जिससे वो काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। तभी वहाँ ली जाकर उसी तलवार से उस गार्ड की हत्या कर देती है, जो देखकर लॉरा एकदम घबरा जाती है और वहाँ से भागकर फिर एक जगह छिप जाती है जहाँ से वो लीज की हरकत देख रही होती है। तब लीज उस गार्ड के कटे हुए सिर की मदद से जीसस के कफन का लॉकर स्कैन करके वहाँ लगे सुरक्षा जाल को हटा देती है। दरअसल क्रिश्चियंस का मानना है कि जब जीसस क्राइस्ट की मृत्यु हुई थी, तब उनके मृत शरीर को इसी कफन में रखा गया था, जिसके 3 दिन बाद उनका शरीर गायब हो गया, लेकिन उनके शरीर के हल्के हल्के निशान उस कफन पर अब भी मौजूद है और हर 10 साल में एक बार असली कफन को लोगों को दिखाने लाया जाता है। पर अब लीज जैसे ही कफन को ले जाने वाली होती है, वहाँ पादरी आ जाता है जो उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो उस पर भी हमला कर देती है, जिसके बाद वहाँ लीज के कुछ साथी भी आ जाते हैं। तब लीज की नजर लॉरा पर पड़ती है जो चुप कर उन्हें देख रही थी, इसलिए उसके साथी उसे पकड़ लेते हैं। वहाँ इधर पादरी आर्च एंजल से प्रार्थना करता है कि जरूर यहाँ बहुत बड़ी गड़बड़ी होने वाली है, इसलिए आकर मेरे शरीर में अपना कब्जा कर लो ताकि कोई बड़ा अनर्थ होने से बच जाए। और अब उसके इतना कहती आर्च एंजल स्वर्ग से सचमुच उसके अंदर समा जाता है, जिसके बाद पादरी लीज की गाड़ी के पास आता है ताकि उन्हें रोक सके, लेकिन पादरी के शरीर में इतनी ताकत नहीं थी कि वो जल्दी से आर्च एंजल की शक्तियों को बर्दाश्त कर सके, इसलिए वो वहीं रुक जाता है। दूसरी तरफ हम एक डॉक्टर को देखते हैं जिसने एक कमाल की चीज का आविष्कार किया था, जिसके अनुसार अगर किसी भी हजारों साल पहले मरे हुए इंसान का डीएनए मिल जाए तो वो उसके जरिए एक बच्चा बना सकता है, जो कि बड़ा होकर बिल्कुल वही इंसान बनेगा जिसके डीएनए से ये बच्चा बना होगा। तब वो कुछ महान मरे हुए लोगों के डीएनए से बने बच्चों को बेचने लाता है, जिस पर अमीर लोग बोलियां लगाते हैं। उसी दौरान वह लीज भी आ जाती है, जो उस डॉक्टर को एक कमरे में ले जाकर उसे वो कफन दिखाती है, जिसे वो डॉक्टर एग्जामिन करने लगता है और उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि ये लोग जरूर कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं। दूसरी तरफ जहाँ लॉरा को रखा गया था, वहाँ 3 और लड़कियाँ बंदी बनी होती है, जिनका भी अपहरण करके यहाँ लाया गया है। तब वहाँ कुछ लोग आकर उनका डीएनए टेस्ट लेकर चले जाते हैं। वहीं इधर पादरी जिसके अंदर आर्च एंजल की शक्ति है, वो बाकी पादरी से सवाल करता है कि आखिर उस कफन की संभालने की जिम्मेदारी किसकी थी। इस पर वो सभी उसे बताते हैं कि ये काम जिस पादरी का था, वो अचानक से ही पागल हो गए। उसे अजीब विजन्स आने लगे कि लूसीफर वापिस आने वाला है, दुनिया बर्बाद हो जाएगी,
जाएगी, इसलिए उन्हें पागल खाने भेजना पड़ा। इसलिए वो पादरी वहाँ से पागल खाने वाले पादरी से मिलने जाता है जिसका नाम विंस होता है, जो पादरी को देखकर दंग रह जाता है क्योंकि उसके पास ही खड़े रहने से विंस को उसकी ताकत का आभास हो गया था। तब पादरी उसे अपने बारे में सारी चीजें बताकर कहता है कि कफन चोरी हो गया है और मुझे जानना है कि आखिर वो लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। इस पर विंस उसे बताता है कि मैं पागल नहीं हूँ बल्कि मैं जानबूझकर इस पागल खाने में रह रहा हूँ ताकि सामने दिख रही बिल्डिंग पर नजर रख सकूं, क्योंकि वो एक सीक्रेट फैसिलिटी है जहाँ लूसीफर को मानने वाले रहते हैं और वो सभी उसे आजाद करना चाहते हैं क्योंकि जिस चैन से वो बंदी बना है वो कमजोर हो रही है, इसलिए हमें उन्हें रोकना होगा वरना दुनिया बर्बाद हो जाएगी। जो जानकर पादरी दंग रह जाता है कि ऐसे कैसे हो सकता है। दूसरी तरफ नर्क में पत्थरों पर दरार पड़ जाती है जिससे आर्च एंजल की तलवार निकल जाती है जिससे लूसीफर पूरी तरह से आजाद हो जाता है। वहीं इस तरफ लॉरा के साथ ही बाकी अपहरण की हुई लड़कियों के अंदर डॉक्टर जबरदस्ती सीरम डाल देते हैं, जो देख कर लॉरा लिज से सवाल करती है कि आखिर तुम लोग हमारे साथ क्या करना चाहते हो। इस पर लिज रिवील करती है कि हम लोग काफी समय से लूसीफर को पृथ्वी पर लाने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें हम सफल भी हो चुके हैं, लेकिन लूसीफर का कोई शरीर नहीं है इसलिए हमने म्यूजियम से चुराए कफन से जीसस क्राइस्ट का डीएनए लिया है ताकि उसके जरिए हम एक बच्चा बना सके जिसके पास जीसस क्राइस्ट जितनी ताकत होगी, जो लूसीफर की शक्तियों को आसानी से संभाल लेगा और उस शरीर के साथ लूसीफर पूरी दुनिया पर अपना कब्जा कर लेगा, जो जानकर लॉरा भी दंग रह जाती है। अब इसके बाद सारी लड़कियों को दुल्हन बनाकर उसी फैसिलिटी में लाया जाता है जहाँ एक ऐसा पिंजरा है जो सीधे नरक तक जाता है। तब एक शैतानी जानवर उन लड़कियों को पकड़कर उस पिंजरे में डाल देता है ताकि नरक से लूसीफर आकर उनमें से किसी लड़की को पसंद करे जिसके अंदर वो समा जाएगा और फिर जो बच्चा जन्म लेगा उसका शरीर जीजे जितना ताकतवर और दिमाग लूसीफर जितना शैतानी होगा, जिसके लिए वो लॉरा को ही चुनता है। जिसके बाद इस सारे फैसिलिटी के लोगों को दिखाती है कि यही है जो लूसीफर को जन्म देगी, जो देखकर सभी खुश हो जाते हैं। वहीं इधर पादरी फैसिलिटी में आकर सबसे पहले कफन चुरा लेता है जिसके बाद वो सारे जगह पर आग लगाकर वहां से लॉरा के पास आता है, जो देखकर वो खुश हो जाती है कि कोई उसे बचाने आया है। पर तभी पादरी को वहां लूसीफर के हंसने की आवाज सुनाई देती है, जो सुनकर वो हैरान हो जाता है और इधर उधर देखने लगता है कि आखिर यह आवाज कहां से आ रही है। तब उसकी ऐसी हरकत से लॉरा को लगता है कि ये भी कोई बेरूपी है, इसलिए वहाँ से भागने लगती है। पर पादरी उसे पकड़कर समझाता है कि मैं यहाँ तुम्हें बचाने आया हूँ, जिसके बाद वो दोनों भी गुफा के जरिए यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी वहाँ वो जानवर आकर पादरी को बुरी तरह से घायल कर देता है। तो वहीं लिज लॉरा को पकड़ लेती है। हाँ, पादरी को जब होश आता है तो अपनी आप को बंदी बना पाता है और जैसे तैसे वो खुद को छुड़ा कर पिंजरे के जरिए सीधे नर्क में पहुंच जाता है कि लूसीफर को फिर से बंदी बना सके, लेकिन लूसीफर उसे कहीं दिखाई नहीं देता क्योंकि वो अब लॉरा के अंदर था। तभी फिर बाकी शैतान उस पर हमला कर देते और अब जब उनसे पीछा छुड़ाकर जैसी वो आगे बढ़ता है वहां लूसीफर की सेना कर पादरी से कहती है कि हमारा देवता अब आजाद हो चुका है और वो इस समय पृथ्वी पर ही है जहाँ वो एक बच्चे के रूप में फिर से जन्म लेगा, जो इतना कहकर सभी पादरी को ही बंदी बनाकर वहां से चले जाते। आप आदि के कुछ बच्चों की आत्मा आती है जिन्हें बलिदान के तौर पर लूसीफर को भेजा गया था ताकि इससे जल्द से जल्द लूसीफर आजाद हो सके। तब पादरी उनसे कहता है कि मेरी तलवार ढूंढकर मुझे आजाद कर दो, मैं तुम्हें भी आजाद करके स्वर्ग पहुंचा दूंगा। इसलिए वो बच्चे तलवार ढूंढने में लग जाते हैं, पर जैसे ही वहाँ शैतान आने लगता है वो बच्चे वहाँ से भागकर एक गुफा के अंदर छिप जाते हैं। दूसरी तरफ लूसीफर लॉरा के शरीर में अपना कब्जा कर रहा होता है जिससे लॉरा को काफी तकलीफ हो रही थी। अब अगले दिन लॉरा का पेट बहुत बड़ा हो जाता है यानी कि वो जल्दी लूसीफर को जन्म देगी। तब एक डॉक्टर उसे चेक करने आता है लेकिन लॉरा उस पर हमला करके वहां से भागने लगती है और फिर खुद को एक कमरे में बंद कर किसी तरह का एक केमिकल पी लेती है ताकि लूसीफर उसके पेट में ही मर जाए क्योंकि वो शैतान को जन्म नहीं देना चाहती। पर तभी वहां लीज आ जाती है, लेकिन अब लूसीफर खुद ही लॉरा के मुंह से वॉमिट करवा देता है, जिसके बाद वो लीज से कहता है कि जन्म की तैयारी करो। इसलिए
सभी तुरंत तैयारी में लग जाते हैं। दूसरी तरफ वो बच्चे आर्चेंजल की तलवार ढूंढकर उसे पादरी को दे देते हैं और रब तलवार को छूते ही पादरी पूरी तरह से आर्चेंजल में बदल जाता है, जो देखकर शैतान एकदम घबरा जाते है, इसलिए डर के मारे उसके सामने तक नहीं आते। अब इसके बाद पादरी वहां से लौरा के पास आता है जिसे कंटेनर के अंदर रखा गया था। तब उसके अंदर से लूसीफर पादरी से कहता है कि यहाँ लौरा नहीं है, मैंने उसे पूरी तरह से पोजेस कर लिया है। जो इतना कहकर अब वो पादरी से लड़ना शुरू कर देता है, पर पादरी उसे एक शॉकिंग जानकारी देता है कि तुम नहीं जानते कि आखिर तुम्हें ऐसा क्यों किया गया, ये सब दरअसल पहले ही भगवान द्वारा बनाई गई योजना थी ताकि तुम्हें पूरी तरह से खत्म किया जा सके, क्योंकि जो बच्चा तुमने जीसस के डीएनए से बनाया है उसके अंदर कभी भी शैतान अपना कब्जा नहीं कर पाएगा और वही तुम्हारा अंत बनेगा। जो सुनकर लूसीफर एकदम घबरा जाता है और अब खुद को बचाने के लिए उस बच्चे को मारने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक लिस बच्चे की डिलीवरी करवा देती है, जिसके बाद वो सारे फैसिलिटी के लोगों को बच्चा दिखाती है जिसके सामने सभी झुक जाते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा था कि यही लूसीफर का पुनर्जन्म है। तब वो जानवर सारे लोगों की हत्या करके उनका खून बच्चे पर चढ़ा देता है। वहीं दल लौरा को नर्क में डाला जा रहा था, लेकिन सही समय पर पादरी आकर उसे बचा लेता है, साथ ही लीजी उसके बच्चे को वापस लेने में उसकी मदद भी करती है जिससे लौरा को उसका बच्चा मिल जाता है। तब पादरी उसे कहता है कि तुम्हें भगवान ने चुना था ताकि तुम इस बच्चे को जन्म दे सको, क्योंकि ये दरअसल कोई शैतान नहीं बल्कि भगवान का बच्चा है। वहीं इधर वो जानवर नर के दरवाजे खोल देता है और अब उस दरवाजे के जरिए सारे शैतान पृथ्वी पर आने लगते है, लेकिन पादरी जैसे तैसे फैसिलिटी में रखे सारे ग्रेनेड्स विस्फोट करके उस दरवाजे को ही बंद कर देता है जिससे सारे शैतान वहीं कैद हो जाते हैं, जिसके बाद कफन को भी उसकी जगह रख दिया जाता है। वहीं आर्चेंजल नर्क जाकर उन बच्चों को भी आजाद कर देता है जिन्होंने उसकी मदद की थी। अब हम कुछ सालों बाद का सीन देखते हैं जहां लौरा अपने बेटे के साथ बाकी लोगों से अलग रह रही है ताकि वो अपने बेटे को शैतानों से बचा सके और इस काम में उसका साथ विंस भी दे रहा है। तब लीज पीछे से उस बच्चे को लूसीफर कहकर आवाज लगाती है जिससे वो बच्चा पीछे मुड़कर देखने लगता है, जहां उसके नाक से लूसीफर की शैतानी राख निकल रही थी और वो शैतानी स्माइल भी करता है, यानी कि उस बच्चे में भगवान और शैतान दोनों की शक्तियां शामिल है। जो बड़ा होकर क्या बनेगा इसके बारे में कोई नहीं जानता। जीसी मिक्स फीलिंग के साथ ये हॉरर मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई, यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।